नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सेशनल क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो ये मैक्सिमम 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है फ्रेंड्स। 1 घंटा आपको टाइमिंग मिलेगी, ये टाइम थोड़ा बढ़ या घट भी सकता है। और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं ये 20 नंबर का होता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स का एग्जाम्पल क्या है, तो हेलोथेन, साइक्लोप्रोपेन, बोथ, नन। तो इसमें दोनों हैं फ्रेंड्स, हेलोथेन भी है और साइक्लोप्रोपेन भी है, इसलिए इसका बोथ आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फेनोबारबिटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हिप्नोटिक्स का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, टोलाजोलिन इज क्या है, ये एडनर्जिक एंटागोनिस्ट है, इसका बी वाला सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निफेडपाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद में सेक्शन बी आता है फ्रेंड्स, इसमें हमको कोई एक क्वेश्चन करना है, दो क्वेश्चन हैं इसमें, एक क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, राइट डाउन स्ट्रक्चर, यूजेस, स्टोरेज कंडीशन, ऑफिशियल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायाजीपैम। डायाजीपैम के बारे में हमको डिटेल में लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, हिप्नोटिक्स, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, इस पे हमको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, ये 8 मार्क्स का है क्वेश्चन। सेक्शन सी आता है फ्रेंड्स हमारा। सेक्शन सी में हमको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने हैं 5 में से। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, राइट द केमिकल कैटेगरी एंड स्टोरेज ऑफ इम्प्रामाइन। इम्प्रामाइन का केमिकल कैटेगरी और स्टोरेज लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का हमको क्लासिफिकेशन लिखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट डाउन यूजर्स एंड ऑफिशियल ऑफ पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन का ऑफिशियल लिखना है और उसका यूज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट को डिफाइन करना है और क्लासिफाई करना है। राइट डाउन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड ऑफिशियल ऑफ आइसोप्रिनालीन। आइसोप्रिनालीन का हमको ऑफिशियल लिखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।